नमस्कार, मैं नीता शर्मा आज आपके सामने तीन तरह से फिंगर चिप्स बनाना बताते हैं। ये देखिए, ये हमारी चावल के आटे से बनी हुई है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी और टेस्टी है। ये थोड़ी तीखी वाली है। ये हमारी मीठी वाली है जो हमने तिल के साथ बनाई हुई है। शहद और तिल का इस्तेमाल किया इसमें। ये हमारी सादा है जो हमने बच्चों के खाने के लिए बनाई है। ये हमारी चटनी है जो हमने लहसुन और टमाटर से बनाई है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं फिंगर चिप्स बनाना। देखिए, हमने आधी किलो के करीब आलू ले रखे हैं। देखिए, हमने एक कटोरी चावल लिए हैं जो हमने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिए थे और हमारे चावल अच्छे से भीग भी चुके हैं। देखिए, इस तरह से टूट रहे हैं। ये हमने 3 चम्मच शहद ली है। ये हमने 1 कप रिफाइंड ऑयल लिया है। ये हमने 4-5 लहसुन की कलियाँ ली हैं और थोड़ा सा कटा हुआ अदरक। ये हमने 1 कटा हुआ टमाटर लिया है जिसका हम चटनी में प्रयोग करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिंगर चिप्स हम किस तरह से बनाएंगे। ये हमने सबसे पहले आलू लिए हैं जिनको हम काटेंगे फिंगर चिप्स के आकार में। चलिए तो बताते हैं कि हम फिंगर चिप्स किस तरह से काटते हैं। ये हमारे पास फिंगर चिप्स बनाने के लिए मशीन है और हम आपको चाकू से भी। ये देखिए, हमारी फिंगर चिप्स कितने अच्छे से कट गई हैं। ये देखिए, आप बताते हैं चाकू से भी हम किस तरह से काटेंगे। ये हमने आलू ले लिया है और हम इस तरह से करेंगे इसको। ये देखिए, फिर हमने एक बार इसको ऐसे किया है और हम ये चाकू की सहायता से इसको लंबा लंबा इस तरह से काट लेंगे। ये देखिए, हमारे आलू कट चुके हैं। अब हम बनाते हैं चटनी। अब हम मिक्सी का जार लेते हैं। ये सबसे पहले हम ये टमाटर डालते हैं इसमें। ये हमारी फूली हुई मिर्ची, ये डाल देते हैं। ये हम अदरक डालते हैं। ये हमारी लहसुन की कलियाँ जो हमने पहले से छील के रखी थी, ये डाल देते हैं। और ये हम ये नमक अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। और ये हमने थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड किया। ये देखिए, हमारी चटनी पिस करके तैयार हो गई है। आपको भी इसी तरह से बनाना है। ये हमारे चावल हैं, इनका हमने पानी निकाल लिया है। अब इनको भी हम एक जार में पीस लेते हैं। और पीसते समय में ध्यान रखना है कि थोड़ा सा हम पानी भी ऐड करेंगे इसमें। ये कटोरी में हमने अपने चावल को, पिसे हुए चावलों को निकाल लिया है। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें हमने इसमें नमक को डालेंगे। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। ये देखिए। और हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, अगर आप तीखा खाना पसंद करते हो तो आप उसमें पिसी हुई लाल मिर्ची भी ऐड कर सकते हो। इस तरह से देखिए देखिए, हम इसमें आप अपनी फिंगर चिप्स डालते हैं इस तरह से। अब देखिए, इसमें थोड़ा हम पानी भी डालेंगे इस तरह से। ये हमारी अच्छे से, ये देखिए इस तरह से हमारी ये। अब देखिए, हम इसको हाथ से इस तरह से मिला लेते हैं। देखिए हमारी कितनी अच्छे से मिल गई हैं। चलिए तो फिर हम इसको डीप फ्राई करते हैं। सबसे पहले हम गैस को ऑन करते हैं और ये रिफाइंड ऑयल इसमें डालते हैं। देखिए, हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हमने जो पहले से सादा वाले काट के रखे थे, हम इनको डालते हैं। देखिए इस तरह से। देखिए, हमने इनको 6 मिनट के लिए डीप फ्राई किया है। इनका कलर कितना अच्छा चेंज हो गया है। अब इनको हम इस तरह से निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमारी सिक चुकी हैं। अब इनको एक प्लेट में इस तरह से निकाल लेते हैं। ये देखिए, जो हमारी चावल वाली थी, अब हम इनको एक एक करके इनको इस तरह से कढ़ाई में डाल देते हैं। देखिए इस तरह से। ये हमारी सिक चुकी हैं। इनको भी हमने 5-6 मिनट के लिए डीप फ्राई किया है। कितना अच्छा कलर आ गया है। हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए, इनको भी हम एक प्लेट में अच्छे से निकाल लेते हैं। देखिए, हमारी चिप्स तैयार हैं। अब हम बताते हैं कि इनको शहद वाली चिप्स हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले एक बॉयल में हम ये मीठा शहद डालते हैं इस तरह से, देखिए। और इसी में अपनी ये फिंगर चिप्स जो हमने तल के रखी हैं उनको डाल देते हैं इस तरह से।
इस तरह से इनको धीमे धीमे हाथों से इस तरह से हम मिलाएंगे। देखिए इनको हम धीमे धीमे हाथों से इस तरह से मिला लेते हैं, हमारी शहद अच्छे से मिल गई है। अब हम इसमें तिल डालते हैं, ये देखिए हम इसको थोड़ा सा तिल डाल देते हैं, ये थोड़ी सी हमने बचा के रखी है जो हम बाद में डालेंगे। इस तरह से तिल डाल के भी हम धीमे धीमे से मिलाएंगे। ये देखिए हमने अच्छे से मिला लिया है, ये हम शहद बच्चों को खिला सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है और फायदेमंद भी होती है।